बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है पाइनएप्पल आइसक्रीम शेक, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और गर्म मौसम में आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। तो आइसक्रीम शेक ज़रूर बनाइएगा। एक लीटर दूध ले लिया है मैंने और एक टिन मैंने लिया है पाइनएप्पल का, जो मिल जाता है मार्केट में। हाफ लीटर करीब वनीला आइसक्रीम ले ली है, हाफ कप चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने डाल दिया है जग में दूध और साथ इसमें डाल देंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो आप हाफ लीटर की बजाय आप एक कप भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है मैंने, क्योंकि इसे मैं दो बैच में तैयार करूँगी, क्योंकि इकट्ठा तो एक लीटर बनेगा नहीं। दो दफ़ा मैं इसे बनाऊँगी, दो मरतबा से बनाऊँगी। तो आप इसे एक दफ़ा चला लीजिए अच्छी तरह ग्लेंडर को। अब जो है वो इसे आपने तो बीट करना है कि अच्छी तरह से पाइनएप्पल जो है वो ब्लेंड हो जाए। और आप इसमें ऐड कर दें खूब सी बर्फ, इसे खूब सा ठंडा कर लीजिएगा और एक मरतबा फिर ब्लेंडर चलाएं ताकि हमारा शेक जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। पाइनएप्पल से आप अपने ग्लासेस को सजाइए, इसे अरेंज कीजिए और इस तरह से आप शेक इसमें डालिए। ये मिल्क शेक बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और आपके बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे पीने के बाद, इतना ज़बरदस्त बनता है। और इस तरह से आप पाइनएप्पल लगाकर ग्लास को डेकोरेट कीजिए ताकि जब आप सर्व करेंगे तो पीने वाले का दिल भी चाहेगा कि इसे पिया जाए। लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त पाइनएप्पल आइसक्रीम शेक रेडी हो चुका है और इस गर्म मौसम में तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।